बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अक्टूबर महीने में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत पदयात्रा से होगी। कार्यक्रम की योजना को लेकर फिल्म अभिनेता और संयोजक राजा बुंदेला ने जिला में समाज के विभिन्न वर्गों से भेंट कर जन समर्थन जुटाया। लोक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह करवी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, हर घर नल जल से लेकर तमाम विकास कार्य किए हैं, लेकिन समग्र विकास के लिए जरूरी है बुंदेलखंड राज्य 100 बीमारियों का एक इलाज, और वह है पृथक बुंदेलखंड राज्य। छोटे राज्यों को बनाने का श्रेय भाजपा को है ही। भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा शामिल रहता है। पृथक राज्य को लेकर स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा के समय में लगभग 1.5 दशक पहले तमाम जन आंदोलन हुए, रेल रोकी गई, चक्का जाम हुए, विधानसभा में पर्चे फेंके गए और हिंसक आंदोलन हुआ। अब केवल इस आंदोलन को वैचारिक रूप से तेज करने की जरूरत है। इस विचार क्रांति को लेकर और व्यापक समर्थन जुटाने के लिए अक्टूबर महीने में पदयात्रा की शुरुआत होगी। पहले झांसी मंडल से पदयात्रा होगी, इसके बाद जनवरी या फरवरी में चित्रकूट धाम मंडल में पदयात्रा का दौरा चलेगा। 35 साल तक काम किया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। आप छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक चीफ मिनिस्टर भोजपुरी वाला हो और एक चपरासी भोजपुरी वाला हो तो दोनों लोगों में ऐसे बात होगी कि जैसे वो एकदम एक ही घर के और एकदम परिवार की है वो, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो बाहर के हैं या उनमें कोई भेद है, इतना उनमें भाषा का एक संपर्क होता है। और अगर आप किसी राजस्थानी वाले को यहाँ कोई जानता होगा, एक मीणा लोग होते हैं, अगर वो मीणा कमिश्नर होगा, अगर उसी शहर में अगर वो एक चपरासी होगा मीणा, तो दोनों लोग शाम को साथ साथ खाएंगे पियेंगे उठेंगे बैठेंगे और एक ही भाषा में बात करेंगे। इसी तरह से अगर बिहार का कोई आदमी होगा वो अपनी बिहार की आंचलिक भाषा में या मगधी में या अंगिका में वो बात करेगा, ये सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग जो बुंदेलखंड के हैं वो अपनी भाषा में बात नहीं करते। अगर अपनी भाषा में बात, अपना खान पान भूल गए, अपना पहनावा भूल गए, अपने लोगों के साथ उठना बैठना भूल गए, तो ये कैसे रिवाइव हो सकता है। इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। यहाँ के विश्वविद्यालय हैं, अब तो काफ़ी विश्वविद्यालय हो गए अपने बुंदेलखंड में, इनमें बुंदेली भाषा और साहित्य संस्कृति का अध्ययन होना चाहिए, उसमें पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनके अध्यापक जुटेंगे, वहाँ के विद्यार्थी आएंगे, तो एक नई चीज़ पैदा होगी। और फिर एक इतिहास का एक नया एक सिस्टम है कि अब इतिहास सबाल्टर्न इतिहास जो छोटे छोटे कालखंडों पर और छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों पर लिखा जाता है इतिहास, तो आप उन तरह से जो है शोध कार्य होंगे उस तरह का वो होगा। जैसे आप पंडित परमानंद जी को जानते हैं क्या? है ना, इतने ही केवल जानते हैं, लेकिन सावरकर जी को कितना जानते हैं? वो महाराष्ट्र के थे और उन्होंने मतलब जो काम किया है वो अद्भुत और कहना चाहिए अद्वितीय अप्रतिम काम किया है। लेकिन अगर आप काला पानी का इतिहास जाने और पंडित परमानंद जी के बारे में आप जाने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जबकि उनके बारे में कोई नहीं जानता। और वो 22.5 साल तक रहे वहाँ, सबसे पूरे मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास में सबसे ज़्यादा अधिक समय तक काला पानी में रहने वाले पंडित परमानंद जी, और वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे, कितने बड़े आदमी थे, ये अभी तक हम लोग कुछ नहीं जानते। केवल उनका एक झांसी में स्टेचू खड़ा है और उनका नाम जानते हैं, अगर नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती। तो इस तरह के लोगों के बारे में, मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो एक उड़ई के एक सज्जन थे प्रमोद शुक्ला, उन्होंने उस समय यूपी बोर्ड टॉप किया, हाई स्कूल इंटर बोर्ड टॉप किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc टॉप किया, MSc टॉप किया, और अगर वो उसी क्षेत्र में जाते तो वो वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन की प्रतिभा वाले बुद्धि वो इंटेलेक्चुअल थे, इतने बड़े आदमी। वहाँ के जो प्रोफेसर थे, एक सज्जन मुझे मिले बहुत बड़े चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे वो, और मैंने कहा कि साहब कहाँ के आप हैं, तो मैंने इलाहाबाद से मैंने कहा वो पढ़ाई की है, तो मैंने उन्हें बताया आप प्रमोद शुक्ला जी को जानते होंगे, तो वो खड़े हो गए, वो वाइस चांसलर थे वहाँ, उन्होंने कहा आप कैसे जानते? मैंने कहा साहब मेरे गाँव के, बोले अरे साहब ऐसे विद्यार्थी तो मतलब है नहीं कहीं। तो नमस्कार,
ये हमारी आज से जो एक यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, ये अक्टूबर में हमारे जो जन संवाद यात्रा हम लोग पूरे राज्य के लिए निकाल रहे हैं उसका प्रारंभ है। और हम सातों जिलों में जाकर बुद्धिजीवियों से, विद्यार्थियों से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, वकीलों से, सबसे मिल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये एक बड़े रूप में जनता के बीच में ये आवाज़ उठाए कि बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता है और जनता ही अब इस लड़ाई को लड़े। इसके लिए हम लोग आए, हमारे साथी दिल्ली से महेश जी आए हैं, अवस्थी जी आए हैं, हमारे संयोजक जो है डॉक्टर आशमी सिंह हैं, और पूरी टीम हमारे सातों जिलों में अलग अलग हमें मिलेगी। और लोगों से मिलकर यही कोशिश करेंगे कि आने वाली यात्रा में हमारा पूर्ण प्रयास सही। क्या लगता है क्यों नहीं बात बन पा रही? कई बार कई सालों से आप इसकी मांग उठा रहे हैं, तो कहाँ बात अटक जा रही, कहाँ चना रही है? देखिए, कई उसके कारण है। एक तो राज्यसभा में पूरा हमारा अभी भी बहुमत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी ये बात है कि इस वक्त देश की समस्याएं पार्टी ये सोचती है कुछ और है। 5 करोड़ बुंदेलखंड भाषी जो हैं वो केंद्र में, उसमें राज्य में, उसमें नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं है। तो कोशिश ये है कि हम उनको प्रायोरिटी में भी लेके आएँ और राज्यसभा में बहुमत हारा है वो भी हो जाए। और एक सबसे बड़ा कारण मुझे जो लग रहा है, जो आप पढ़े लिखे हैं, कि परसीमन होगा इस देश में, परसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। तो मुझे जहाँ तक आकलन है कि लोकसभा उत्तर प्रदेश की 100 सीट के लगभग जाएगा। तो ऐसे में इतने बड़े राज्य की कैसे देखभाल होगी, कैसे उस पर प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ये सब सोच का विषय है। और वो उनका विषय है, लेकिन हमारा विषय ये है कि 3-4 राज्यों की जो मांग है, उधर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और ये जो नई मांग जो आई है बंगाल में, नॉर्थ बंगाल, ये उचित मांगे हैं, उन पर सरकार। अच्छा, मुझे लगता है कि बीच में अभी बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर थोड़ा सा धीमा हो गया था मामला, तो अब क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब इस पहल को आप फिर से दोबारा शुरू कर रहे हैं? किन किन जनपदों में जाएंगे और ऊपर के जो पीएम हैं या अमित शाह जी हैं, तो उनसे किस लेवल पे बात हुई है, क्या बात हुई है? देखिए, धीमा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि उनका स्वरूप बदला है। जो आपने बात कही प्रशासनिक, उस पर हमारी लिखा पढ़ी बराबर चलती रही और हमने लगातार गृहमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, यहाँ तक राष्ट्रपति जी से इस पर बराबर हमारे करस्पॉन्डेंस रही है। अब लेकिन हमें लगता है ये समय की मांग है कि हम जनता के बीच में जाएं। प्रशासनिक रूप में हम सब उनको ढांचा दे चुके हैं, कितना विभाग होगा, कहाँ से राजस्व होगा, क्या हमारी व्यवस्था होगी, ये सब उनको दे दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि जनता इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी हो, और अगर नहीं खड़ी होती तो वो पहले खड़े, हम उनके पीछे खड़े होते हैं। इसलिए ये दिसंबर से, अक्टूबर से पहली यात्रा और दिसंबर में दूसरी यात्रा। तो जो आप 7 जनपदों में जा रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, क्या बातें रख रहे हैं, क्या है प्लान? ये हमने तय किया है कि पहला मंडल हम ललितपुर से शुरू करेंगे और उरई में हम इसको समापन करेंगे 3 जिले, और हम 20 से लेकर 25 किलोमीटर की एक दिन में यात्रा करेंगे। और रात में किसी बड़े ब्लॉक में जाके हमारी एक सभा होगी, वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे, उनको मंच देंगे, और हमारे जो बाहर से आए हुए सहयोगी हैं वो अपनी बात रखेंगे। बुंदेलखंड में क्या अनुमान है आपका कि परमिशन के तहत वो परसीमन में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं? अभी 19 हैं हमारे पास, और कुछ बड़ी अगर फतेहपुर जोड़ लें, आप कानपुर, कौशाम्बी बिहार, तो 23 आती हैं, ये कम से कम 35 के लगभग जाएंगे, 35 से 40। ये जो टेक्निकल इशूज है, क्या लगता है इस बार पृथक राज्य में ये सहायक होंगी, सीटें बढ़ जाएंगी? निश्चित तौर पर भाई, अभी देखिए हमारे पास 19 सदस्य खड़े होकर कोई मांग मांगे। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे, इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।